पूरे एक साल में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर की चाय पी जाते हैं हम भारतीय। चाय अमृत है या विष है, ये निर्णय आपको खुद लेना है। हम कर रहे हैं आज चाय पर चर्चा, तो मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके बाद आप खुद डिसीजन लेंगे। नंबर 1, 2006 में एक जर्मन स्टडी हुई थी, चाय में पॉलीफिनाइल और फ्लेवोनॉइड नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हम दूध में डालते हैं तो दूध में पाए जाने वाले कैसीन नाम के प्रोटीन के साथ मिलते ही वो केमिकल कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, और वही मुख्य कारण है भारत में एसिडिटी का, लीवर के रोगों का और किडनी के रोगों का। दूसरा पॉइंट, अगर चाय में दूध और चीनी डाल के पिया जाता है तो चीनी में फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है जो पेट के रोगों को 90% बढ़ा देता है, और यही से आर्टरीज जो हमारी नलियां हैं हार्ट की वो सख्त हो जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में आज 10 करोड़ लगभग बीपी के रोगी हैं और लगभग 1.5 करोड़ हार्ट के रोगी हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन स्टडी ने भी कहा है कि ज्यादा चाय पीने से फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं, और भारत में आर्थराइटस, ऑस्टियोआर्थराइटस, रूमेटॉइड आर्थराइटस यानी कि गठिया के रोग बढ़ते हैं, और भारत में इसी वजह से लोग घुटने को चेंज करा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा रहे हैं और जोड़ों के दर्द की दवाइयां खा रहे हैं। नंबर 4, चाय में कैटोचीन नाम का एक और बहुमूल्य तत्व एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही चाय की पत्ती को आप जानवर से प्राप्त दूध में डालते हैं तो वो कार्बन बन जाता है जिसके प्रभाव से पैनक्रियाज ग्रंथि पर कार्बन यानी कि टॉक्सिन्स जमता है, केमिकल जमता है, जिसका प्रभाव क्या है कि भारत में आज 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग किडनी के पेशेंट हैं। दूध वाली चाय के एक कप में लगभग 150 से 200 कैलोरी हो जाती हैं, और जो व्यक्ति 3 से 4 कप रोज चाय पीता है तो सोचो 500 से 700 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और भारत पूरे विश्व में हार्ट की प्रॉब्लम की राजधानी बनता जा रहा है। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए हैं कि चाय पीनी है या नहीं पीनी है, निर्णय आपको लेना है, और अगर आपको लगता है कि जब हम चाय छोड़ेंगे 2 या 3 दिन सिर दुखेगा तो दुखेगा, लेकिन अगर आप ढीठ हो जाएंगे और 2-3 दिन नहीं पिएंगे तो सिर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अगर मैं स्टडीज की बात करूं तो शराब और सिगरेट से भी बड़ा नशा है चाय, और अगर आप अपने किसी को चाहते हो कि उसको ब्रेस्ट कैंसर ना हो, ब्लड कैंसर ना हो, ब्रेन में ट्यूमर ना हो, उसको कोई सेप्सिस ना हो, भविष्य में पेट में पानी ना भरे, लीवर फेल ना हो, या कोई प्रोस्टेट कैंसर ना हो पुरुषों को, और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको चौंकाने वाली बात बताने लगा हूं, चाय पीने से सेक्स क्षमता घटती है, दूध वाली चाय पीना बंद कर दीजिए भारतीयों, 1,000,000 करोड़ की दवाइयां खा जाते हो आप बाद में इलाज के नाम पे, तो आज ही दूध वाली चाय छोड़ के हर्बल टी को अपना लीजिए, सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, बिनक्षा, इस तरह की चीजों की चाय पीजिए जो कि आपके शरीर को फायदा पहुंचाए और देश का 1,000,000 करोड़ बचाए। आपको अगर लगता है कि चाय पीना लोगों के लिए नुकसानदायक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो चाय पीता है, ताकि वो वीडियो देखे, साइंटिफिक रिसर्च देखे, फिर वो खुद निर्णय करे कि चाय पीनी है या छोड़नी है।